नमस्कार बाळ मित्रों, आज आपणे आ वीडियो नी अंदर धोरण आठ नी अंदर जे एनएमएस नी परीक्षा लेवामां आवे छे एनी अंदर जे विज्ञानना प्रश्नों केवा पूछाय छे आपणे विज्ञानना प्रश्नों आपणे आ वीडियो नी अंदर जोशुं। मित्रों जो मित्रों वीडियो गमे तो लाइक करजो अने शेर करजो। प्रथम प्रश्न छे आपणो कि वरसाद मापवाना साधन ने कया नामे ओळखवामां आवे छे। तो परीक्षा नी अंदर पण आवा चार ऑप्शन आपेला हशे मित्रों, अहीं मैं जे जवाब टीक करेलो छे मित्रों, पण परीक्षा नी अंदर आ रीते ज ऑप्शन आपेला होय छे अने आपणे जवाब टीक करवानो होय छे। तो मित्रों जे वरसाद मापवाना साधन ने क्या नामे ओळखवामां आवे छे, तो वर्षा मापक यंत्र तरीके ओळखवामां आवे छे। कोई स्थळना वातावरणनी रोजबरोजनी परिस्थितिने ते स्थळनुं खाली जग्या कहे छे। तो ये स्थल शू कहते हैं, हवामान कहमें। हवामान मूल तत्वों में सानो समावेश थतो नथी, नथी शब्द से मित्रों। तो मित्रों जो तापमान, तो तापमान तो हवामान अंदर हो, भेजनू प्रमाण पर हवामान अंदर, पवन की झड़प हवामान अंदर हो, तो भूमि भूमि समावेश थतो नथी। नीचेनामांथी कई ऋतु में विकास नीचेनामांथी कई ऋतु में दिवस लाभो हो, नीचेनामांथी कई ऋतुमां दिवस लाभो होय छे, दिवस लाभो कई ऋतुनी अंदर होय छे। तो मित्रों याद राखवानुं छे खास के शियाळो, चोमासु, उनाळो अने ऑप्शन डी आपी ए अने बी बंने। तो आ प्रश्ननो जवाब आवशे उनाळानी अंदर दिवस केवो होय छे, लाभो होय छे। आगळनो प्रश्न जोईए, सूर्य माटे नीचेनामांथी कयुं विधान खोटुं छे। तो चार विधानों परीक्षा नी अंदर आपेला छे आ प्रमाणे, खूबज ऊंचू तापमान धरावे छे, तो सूर्य नी अंदर तापमान तो होय ज, वायुनो मोटो गोळो छे ए पण साचुं छे, तेमांथी प्रकाश अने उष्मा ऊर्जा मळे छे, उष्मा एटले के गरमी मळे छे, प्रकाश पण मळे छे। सूर्य पर सजीव सृष्टि छे, तो सजीव सृष्टि सूर्य पर रही सकती नथी, एटले के आ विधान खोटुं छे। कोई एक स्थळे मोटा भागना समय तापमान वधारे वधारे रहे छे, तो ते स्थळनुं स्थळनी आबोहवा केवा प्रकारनी हशे, तो एवा प्रकारने तापमान वधारे होय तो त्यां केवी आबोहवा, तो गरम होय छे। पृथ्वीना कया भागमां अतिशय ठंडी पड़े छे, पृथ्वीना कया भागमां, उत्तर ध्रुववृत्त, दक्षिण ध्रुववृत्त, विषुववृत्त के बी बंने। तो मित्रों याद रखजो खास कि पृथ्वीना कया भागमां अतिशय ठंडी पड़े छे, गरमी नहीं परंतु शुं कीधुं छे, ठंडी पड़े छे। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवनी अंदर ठंडी पड़े छे, जे पृथ्वीनो जे गोळो छे, गोळ एना ऊपरनो भाग छे ने उत्तर ध्रुव कहेवाय, नीचेनो जे भाग छे ने दक्षिण ध्रुव कहेवाय छे। भारत पृथ्वीना कया भागमां आवेलो छे, तो उष्णकटिबंधनी अंदर आवेलो छे आपणो भारत देश पृथ्वीना। ध्रुव प्रदेशो केवा प्रकारनी आबोहवा धरावे छे, तो मित्रों जे ध्रुव प्रदेश पछी पृथ्वीनो जे गोळो छे, गोर एनी ऊपरनो जे भाग छे ध्रुव प्रदेशो कहेवाय, नीचेनो पण भाग शुं कहेवाय, ध्रुव प्रदेशो कहेवाय। ते चरम केवी आबोहवा, तो चरम आबोहवा धरावे छे। नीचेनामांथी कयुं प्राणी ध्रुव प्रदेशमां જોવા મળશે નહીં, એટલે મળતું નથી? તો મિત્રો કસ્તુરી બળદ, રેડિયર, સીલ માછલી, તો આમાં ઓપ્શન આવશે આપણો સી જવાબ આવશે કે રેડ આઈ फॉग, आ प्राणी आपने जोवा मळतुं नथी आ ऑप्शन माथी। परीक्षा नी अंदर पण अलग पण ऑप्शन आई शके। आगळनो प्रश्न, खाली जग्या पक्षी लाबी चांच धरावे छे, चकली ने नानी होय छे, लक्कड़खोद ने, मोर ने के टाउकान। तो मित्रों आ प्रश्न जवाब आवशे टाउकान ने, लक्कड़खोद करता पण चांच मोटी होय छे। अति गतिशील हवा ने शुं कहेवाय, तो गतिशील जे हवा होय एने पवन कहे छे। पृथ्वीना कया भाग पर सूर्यनी गरमी सौथी वधु होय छे, तो पृथ्वीनो जे गोळो होय छे एमां सौथी वधु गरमी क्या होय, तो विषુવૃત ઉપર होय छे। कया प्रदेशमां चक्रवात आववानी संभावना वधु होय छे, तो चक्रवात क्या आवे छे, दरियाकिनारानो जे प्रदेशो होय ते चक्रवात वधारे आवे छे, એટલે ઓપ્શન એ આવશે દરિયાકિનારાના પ્રદેશોમાં। પવનના પ્રવાહની દિશામાં ફેરફાર થવાનું કારણ શું છે, તો પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ, જે પૃથ્વી ફરે છે એના કારણે પ્રવાહની, પવનની જે પ્રવાહ હોય છે એની ગતિની દિશામાં ફેરફાર થાય છે। ઝીરો અક્ષાંશ વૃત્ત એટલે શું, અથવા ઝીરો અક્ષાંશ એટલે શું, તો ઝીરો અક્ષાંશ એટલે એને વિષુવવૃત્ત કહેવામાં આવે છે,
ભૂમધ્ય રેખા પણ કહેવામાં આવે છે, ઇક્વેટર પણ કહેવામાં આવે છે. આપણો લાસ્ટ પ્રશ્ન, સમુદ્ર કાંઠાના વિસ્તારમાં દિવસે સમુદ્ર તરફથી જમીન તરફ, સમુદ્ર તરફથી જમીન તરફ પવન થાય છે, એટલે પવન વાય છે. અહીં વાય થાય છે, જે કહે વાય યાદ રાખજો મિત્રો, વાય છે, જેને આપણે ખાલી જગ્યા કહે છે. તો એને શું કહેવામાં, દરિયાઈ લહેરો કહેવામાં આવે છે. સમુદ્ર કાંઠાના વિસ્તારોમાં દિવસે સમુદ્ર તરફથી જે જમીન તરફ જે પવનો વાય છે એને આપણે દરિયાઈ લહેરો કહીએ છીએ. આભાર.